हेलो दोस्तों, आई होप आपको मेरी नाइन टेल बीस्ट वाली वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसलिए आज मैं आपके लिए टेन टेल बीस्ट से जुड़ी बहुत सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। जुबी यानी टेन टेल बीस्ट नेरुटो सीरीज का स्ट्रेंजेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है, जो कागुआ, ओसुस्की और गॉड ट्री के कॉम्बिनेशन से बना था। पर इससे पहले कि हम इस बीस्ट के बारे में और कुछ जाने, पहले टेन टेल बीस्ट का थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल हिडन विलेज की फॉर्मेशन के सालों पहले, जब मैनकाइंड में एंडलेस वॉर का एरा चला हुआ था, तब ओसुस्की क्लैन के मेंबर्स ने टेन टेल सीडिंग के जरिए अर्थ पर गॉड ट्री को ग्रो किया, जो हजारों सालों में एक बार चाक्रा फ्रूट को ग्रो करता था। इस फ्रूट को खाने पर सख्त मनाही थी, पर प्रिंसेस कागुआ ओसुस्की ने चारों तरफ वॉरलाइक सिचुएशन को देखकर इस फ्रूट को खा लिया, जिसने कागुआ को इमेंस पावर ग्रांट कर दी। अपनी इस पावर की हेल्प से कागुआ ने इन्फिनाइट सुकियोमी को कास्ट किया, जिससे सभी स्लीप में चले गए और चारों तरफ पीस मेंटेन हो गया। कुछ समय बाद कागुआ ने दो बेटों हागोरोमो और हामोरा को जन्म दिया, जिन्होंने अपनी मदर कागुआ के चाक्रा को ही इनहेरिट किया। पर कागुआ अपने इस चाक्रा को अपने बच्चों के पास भी नहीं देख पाई और उनके साथ बैटल में उतर गई। बैटल के दौरान ही कागुआ गॉड ट्री के साथ कंबाइन करके टेन टेल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गई। दोनों की बीच की लड़ाई ने बहुत तबाही मचाई, पर फिर भी कागुआ के बारे में कहा गया कि उसके ट्रू मोटिव्स के बारे में कोई नहीं जानता था, क्योंकि गॉड ट्री ने खुद ही अपने आप को टेन टेल बीस्ट में बदल लिया ताकि वो कागुआ से उसका चुराया हुआ चाक्रा फ्रूट वापस ले सके। फाइनली टेन टेल बीस्ट और कागुआ के बेटों की इस बैटल में जीत कागुआ के बेटों की होती है, जो कागुआ और बीस्ट को सील कर देते हैं, जो बाद में मून में बदल जाता है। पर इससे पहले हागोरोमो टेन टेल बीस्ट के चाक्रा को खुद में सील कर देता है और फर्स्ट चिंचुरिकी बन जाता है, जिसके बाद हागोरोमो अपने नॉलेज और चाक्रा को ह्यूमन के साथ शेयर करने लग जाता है, ताकि सभी स्पिरिचुअली एक दूसरे से कनेक्ट करके एक दूसरे को समझ पाए। उनके इस ग्रेट वर्क के कारण उन्हें द सेज ऑफ सिक्स पाथ्स का टाइटल दिया गया, पर इस डर से कि कहीं कोई उनके चाक्रा का कोई गलत यूज ना कर ले, वो टेन टेल बीस्ट के चाक्रा को नाइन टेल बीस्ट में डिवाइड कर देते हैं और ये प्रोफेसी करते हैं कि फ्यूचर में एक काइंड ह्यूमन दोबारा से उन बीस्ट और ह्यूमैनिटी को एक साथ लेकर आएगा, जो दुनिया को पीस का मैसेज देगा। बट इस सारी घटना में एक क्रिएचर दोनों भाइयों की नजरों से बच जाता है, जिसका नाम होता है ब्लैक जैत्सु। ब्लैक जैत्सु अपनी मदर कागुआ को रिवाइव करने के लिए शुरू से ही हागोरोमो के बेटों इंद्रा और आशुरा को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है, ताकि वो इन दोनों के चाक्रा से रेनेगन को आवेग कर ले और वो इसमें सक्सेसफुल भी हो जाता है। जब माद्रा उचिहा रेनेगन को आवेग कर लेता है, माद्रा उचिहा अपने न्यू पावर से टेन टेल्स के एम्प्टी वेसल को समन कर लेता है, जिसे वो डेमोनिक स्टैच्यू ऑफ आउटर पाथ का नाम देता है। इसके बाद ओबिटो उचिहा के साथ मिलकर वो अपने द आई ऑफ द मून प्लान पर काम करने लग जाता है। स्टार्टिंग में टेन टेल्स टाइटेनिक साइज, ब्राउन कलर, सिंगल आई और काउंट शैल लैक शेप के साथ अपियर होता है, जो बाद में एक ह्यूमनॉइड विद एलोंगेटेड लिम्ब्स एंड ट्विस्टिंग नेक के साथ और फिर अपनी रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। टेन टेल बीस्ट हर तरह के चाक्रा का प्रोजेनिटर था, इसलिए ओशन निगलना, लैंड को स्प्लिट करना और माउंटेन्स को शेक कर देना उसके लिए चुटकी का खेल था। कुरामा भी इसे बहुत पावरफुल मानता था, क्योंकि सेज ऑफ सिक्स पाथ के मुताबिक टेन टेल के रिवाइवल का मतलब है एंड ऑफ वर्ल्ड। इसके चाक्रा को सेंस नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये नेचुरल एनर्जी को ही सिंबलाइज करता था, जो उसे मैनिपुलेट कर सकता था। इसकी पावर एबिलिटीज को फोर्थ ग्रेट वॉर ऑफ शिनोबी के दौरान हम सब ने फील किया, जैसे कि टेल बीस्ट बॉल को सिर्फ एक फिंगर से डिफ्लेक्ट कर देना और भी बहुत कुछ। पर माद्रा उचिहा वॉर के दौरान ओबिटो को धोखा दे देता है और अपने आप को रिवाइव करने के लिए उसका यूज करने लगता है, कि तभी ओबिटो टेन टेल बीस्ट को अपने अंदर सील कर देता है और उसका सेकेंड जिन चुरीकी बन जाता है। टेन टेल बीस्ट ओबिटो को इमोशनल ब्रेकडाउन देकर उससे रिलीज होने की कोशिश करता है, बट
ओबिटो जैसे कैसे उस पर कंट्रोल पा लेता है, जिसके ठीक बाद वो उसे अलग से रिलीज करवाता है और गॉड ट्री में बदल देता है ताकि वो इन्फिनाइट सुकियोमी को कास्ट कर सके। ये गॉड ट्री सभी शिनोबी के चाक्रा को एब्जॉर्ब करने लगता है ताकि वो चाक्रा फ्रूट को ब्लूम कर सके। ओबिटो अभी भी सब पर भारी पड़ रहा होता है, बट नारुतो और सास्के के कॉम्बाइंड सेंजुत्सु अटैक से उसे दिक्कत होने लगती है, जिससे नारुतो, गारा और किलर भी टेल बीस्ट के चाक्रा के साथ कनेक्ट करके सभी टेल बीस्ट को ओबिटो से फ्री कर देते हैं, जिससे गॉड ट्री की डेवलपमेंट रुक जाती है। बट माद्रा एक बार फिर से इन सभी बीस्ट को डेमोनिक स्टैच्यू में सील कर देता है, जिससे एक बार फिर टेन टेल बीस्ट रिवाइव हो जाता है, जिससे वो अपने अंदर सील करके टेन टेल्स का थर्ड जिनचुरिकी बन जाता है। माद्रा को रोकने के लिए नारुतो सेजार्ड रासिन शुरीगन से गॉड ट्री को कट कर देता है, बट गॉड ट्री खुद को बचाने के लिए माद्रा को उस ट्री को अपने अंदर लेने को कहता है और माद्रा भी ठीक वैसा ही करता है। ऐसा करते ही माद्रा कागुआ की आई को डेवलप कर लेता है, जिससे वो इन्फिनिट सुकियोमी को कास्ट कर देता है। बट ठीक इसी समय ब्लैक जैत्सु माद्रा को पीछे से स्टेप कर देता है और उससे इन्फिनिट सुकियोमी में फंसे सभी शिनोबिस का चाक्रा एब्जॉर्ब करवाता है, जिससे कागुआ ओसुत्सुकी एक बार फिर से एक्जिस्टेंस में आ जाती है, जिसके बाद नारुतो सास्के साकुरा और काकाशी कागुआ के साथ बैटल में उतर जाते हैं। नारुतो कागुआ के साथ लड़ते हुए नाइन टेल बीस्ट के चाक्रा से बने रासेन शुरीगन के साथ उस पर अटैक करता है, जिसे कागुआ के अंदर का नाइन टेल बीस्ट चाक्रा रिएक्ट कर जाता है और वो रैबिट लाइक क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अपने पावर्स के हाईएस्ट लेवल का बेनिफिट उठाकर कागुआ टीम काकाशी को एक टफ कॉम्पिटिशन देती है और फिर भी टीम काकाशी कागुआ को हरा देते हैं और फिर से उसे सील कर देते हैं। सील होने से पहले माद्रा की बॉडी कागुआ से अलग हो जाती है और इस तरह वो फोर्थ ग्रेट वॉर ऑफ शिनोबी को जीतने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी टेन टेल बीस्ट की लाइफ स्टोरी। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।